बिसमिल्ल रन रही अलकुम डियर व्यूअर्स एंड वेरी वेरी वॉम वेलकम टू मानीस किचन अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें आबाद रहें नया साल अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत मुबारक करे और आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ अनायत करे आमीन तो आज मानस किचन में नए साल की पहली डिश बन रही है इसलिए मैंने सोचा चलें कुछ मीठा मीठा सा बनाते हैं तो आज मानिस किचन में बन रहे हैं शाही टुकड़े जो कि ज़रा ज़्यादा ही शाही टुकड़े हैं तो बस जनाब आइए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ और करते हैं रेसिपी स्टार्ट जी तो मैंने इसके लिए ले लिया है डेढ़ लीटर दूध जिसको मैंने एक अच्छा उबाल दिलवा कर अब इसको मैंने सिमर होने के लिए रख दिया है यानी ये ख़ुद ब खुद कड़ता रहेगा तो बस जनाब अब आप देखें कि दूध हमारा कड़ कड़ के तकरीबन जो है ये आधे से भी कम रह गया हुआ है तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शुगर मैंने इसमें शुगर अपने हिसाब से ऐड की थी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना भी आप लोग मीठा खाते हों शुगर के साथ ही मैंने इस रेसिपी में जितना भी खोया यूज़ किया था उसी में से मैंने कुछ खोया जो है वो भी इसमें ऐड कर दी और इस तरह से हमने शाही टुकड़ों में इस्तेमाल होने वाला लिक्विड तैयार कर लिया है और अब बारी आती है दूसरी चीज़ों की तो आप देखें इसमें मैंने यूज़ किया है एक पाव खोया आठ स्लाइसेस ब्रेड स्लाइसेस एक पाव खोया और कुछ बादाम और पिस्ते इनका कोई क्वांटिटी नहीं आप जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं अब आप देखें कि मैंने स्लाइसेस को एक कटर के राउंड कटर के साथ मैंने इस तरह से राउंड में काट लिया है अगर आपके पास ये कटर ना हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें कोई गिलास ले लें और आप इस तरह से उनको राउंड काट लें तो मैंने एट के एट स्लाइसेस के इस तरह से राउंड निकाल लिए हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एट राउंड काट लिए हैं इनके ये इसका एक स्टेप कंप्लीट हो गया अब इसका दूसरा स्टेप ये है कि ये जो बादाम और पिस्ते मैंने लिए हुए हैं ना ये मैं खोए में शामिल कर लूँगी खोया ज़रा थोड़ा सा सख्त था मैंने इसको माइक्रोवेव में रख के तकरीबन ट्वेंटी थर्टी सेकेंड के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था अब आप देखें कि मैं सारे सारे नट्स नहीं डाल रही हूं मैं कम डाल रही हूँ कि मेरी फैमिली को किसी स्वीट डिश के अंदर डले हुए नट्स अच्छे नहीं लगते आप लोगों का दिल चाहे तो आप दिल खोल के डालिएगा नट्स खोए में मैंने नट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब आप देखें कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो जो स्लाइसेस हमने काट के रखे थे उनके अंदर अब हमने ये वाला खोया फिल करना है तो आप देखें कि मैंने स्लाइसेस को पहले पानी के साथ हल्का सा अपना हाथ गीला करके मैंने इनके ऊपर इस तरह से रब कर दिया है ताकि ये ज़रा थोड़े से इतना हो जाए कि ये जॉइन अच्छी तरह से हो जाए दोनों मैंने स्लाइसेस के ऊपर अपना हाथ गीला करके अच्छे से ज़रा उनके ऊपर रब कर दिया है पानी का अब मैंने खोया लिया है ये भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा लेना चाहें आप ज़्यादा भर लें लेकिन इतना ज़्यादा मत भरें कि वो फिर प्रॉपरली बंद ना हो सके आप देखें इस तरह से मैंने खोया लेके उसके ऊपर फैला दिया है एक स्लाइस के ऊपर अब मैं दूसरा स्लाइसिस के ऊपर रख रही हूँ आप देखें दूसरा स्लाइस रख के मैं इसको फोक की मदद से ज्वाइन कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसे गीला किया हुआ है इसलिए ये बहुत आसानी से ज्वाइन हो जाएगा लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो फोक के नीले हिस्से हैं ना वो बिल्कुल इसके एज के ऊपर ना आए ऐसे जैसे मैं कर रही हूं कि वो ऊपर जाए और एज के ऊपर इसका नीचे वाला हिस्सा आए अगर आप वो वाले नोकीले हिस्से एज पे रख के प्रेस करेंगे तो इसका एज सारा ब्रेक हो जाएगा दिस इज द टिप एंड ट्रिक एज वेल तो आप देखें इस तरह से इसके सारे हिस्से मैं बहुत अच्छे से जॉइन कर लूँगी और ये बहुत अच्छे से ज्वाइन हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह खुलता भी नहीं है ये आप लोग देखें इस तरह से ये हमारा एक जो है वो सैंडविच रेडी हो गया अब इसी तरह से मैं बाकी सारे जो स्लाइसेस हैं उनको भी मैं सैंडविच कर लूँगी ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबको बहुत अच्छे से सैंडविच कर लिया है और ये एक चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने ये जो बालाई तैयार की है इसकी इसमें मैंने एक चुटकी इलायची पाउडर भी ऐड किया था जी तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इन सैंडविचेस को फ्राई करना है इतना फ्राई करना है कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए और इसके लिए मैंने घी लिया है ठीक है देसी घी जो है वो हो तो बहुत अच्छी बात है आई आई वुड रिकमेंड कि आप लोग देसी घी यूज़ कीजिएगा ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि किसी भी स्वीट डिश में ऑयल की बहुत अजीब सी स्मेल आती है इसलिए अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप आम घी यूज़ करें लेकिन घी ही यूज़ करें और आप देखें मैं इनको शैलो फ्राई भी नहीं कर रही हूँ बिल्कुल हल्का सा मैंने घी लिया है और उसमें मैं इसे फ्राई करूँगी दोनों तरफ से आप देखें इस तरह का गोल्डन और क्रिस्पी होना चाहिए इसको दोनों तरफ से बहुत अच्छे से आप इनको ब्राउन कर लें ठीक है जी अब इसी तरह से मैं बारी बारी सब ब्राउन कर लूँगी अगर कोई हल्का सा कहीं से ब्रेक भी हो जाए ये आप देखें एक मैंने अपनी डिश में रख लिया है और अब दूसरा भी मैं इसी तरह से ब्राउन कर लेती हूँ अगर कहीं से ये हल्का सा ब्रेक भी हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि डिश के अंदर ये नज़र नहीं आएंगे लेकिन कोशिश करें कि इनको बहुत प्यार और मोहब्बत से फ्राई करें ताकि ये कहीं से ब्रेक ना हो जी तो ये आप देख लें कि वो जो हमने बालाई या लिक्विड हमने इसका थिक सा एक तैयार किया हुआ है वो आप देख लें कि ये ठंड थन... मैंने गरम गरम ही यूज़ करना है आप देखें अभी भी इसके अंदर से स्टीम न उठ रही है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए ना बहुत पतला और ना बहुत थिक तो ये आप देखें कि मैंने एक डिश के अंदर अपने चारों सैंडविचेस बहुत अच्छे से रख लिए और आप देखें बहुत खूबसूरत ये क्रिस्पी ब्राउन हुए हुए हैं तो अब बारी आती है कि मैं इनके ऊपर ये जो हमने इसका लिक्विड तैयार किया है वो मैं इसके ऊपर पोर कर दूँ रहीम तो इस तरह से मैंने सारा लिक्विड इनके ऊपर पोर कर दिया है ये ख़ुद लिक्विड को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और ये लिक्विड खुद ब खुद थिक भी हो जाएगा तो अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है डिश की क्योंकि वही चीज़ जो आँखों को अच्छी लगती है ना वही खाने को भी दिल करता है तो आइए जनाब अब हम इसकी अच्छी सी प्यारी सी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो ये आप दो देख लें कि मैंने इसमें कुछ बादाम और कुछ पिस्ते मैंने इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेट कर दी और अब बारी आती है खोए की ये जो कुछ खोया अब मैंने एक पाव खोया टोटल यूज़ किया है जिसमें से मैंने प्रेजेंटेशन में भी यूज़ किया है मैंने दूध के अंदर भी डाला है और मैंने सैंडविचेस के अंदर भी उसी को भरा है तो आप देखें इस तरह से हमने इसकी एक बहुत अच्छी सी प्रजेंटेशन भी कर ली है जनाब तो बस जनाब आप ये देखें कि हमारी डिश फाइनली हो गई है तैयार और ये इतने मज़े के बनते हैं इतने मज़े के बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई गारंटी यू कि आप अगर एक दफ़ा ये वाली स्वीट डिश बनाएंगे ना तो फिर इसके बाद आप कोई और डिज़र्ट नहीं बनाया करेंगे इस डिज़र्ट को आप गरम भी खा सकते हैं वॉम भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं इट इज़ अप टू यू कि आप इसे जैसे भी खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं बहुत ही मज़े का बनता है जी और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ ये देखें इसको कट करने के बाद बाकायदा इसके ये सैंडविचेस नज़र आते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये बहुत ज़बरदस्त तो जनाब अब मुझे दीजिए इजाज़त Stay positive, stay blessed and stay tuned. Allah Hafiz.